मतलब ये कि जिन पैसों में तुम्हारे भाई की जिंदगी नहीं गुजर सकती, तुम्हारा मानना है कि उतने पैसों में ही अपने और बीवी बच्चों का खर्चा पूरा करें। एक तो इनकी तनख्वाह इतनी कम होती है, ऊपर से हम ऐसी हुकूमत चलाते हैं जैसे ये हमारे कोई मुलाजिम है। एक हाफिज और आलिम कोई मुलाजिम नहीं होता जो हमारी मस्जिदों की सफाई का भी ख्याल रखे, जमात भी करवाए और बच्चों को भी पढ़ाए, उसके बावजूद भी हम उसके साथ ऐसा सलूक करें। कम से कम हमें उस कुरान की इज्जत करनी चाहिए जो उनके दिल में होता है। हाँ यार, तुम ठीक कह रहे हो, मैं इनकी तनख्वाह भी बढ़ाऊंगा और मस्जिद की सफाई के लिए एक अलग मुलाजिम रखूंगा। हमें ये बिल्कुल जेब नहीं देता कि जिसको इमाम बनाए और जिसके पीछे नमाजें पढ़ते हों उसी के साथ मुलाजमों वाला सलूक करें। हमें चाहिए कि एक इमाम मस्जिद की दिल से इज्जत करें। अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करें। मज़ीद अच्छी और सबक आमोज़ वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।